अगली खबर आ रही है रीवा जिले से बिजली विभाग को लेकर। बिजली विभाग मनमाने बिल और फर्जी मुकदमे लगाकर उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है, वहीं सुविधाओं के नाम पर अनदेखी करता है। ताजा मामला गढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां डर गांव का 2 माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और नेताओं के चक्कर लगा लगा कर परेशान हैं। पीड़ितों ने बताया कि जनपद पंचायत गगेव विद्युत वितरण केंद्र कटरा के अंतर्गत ग्राम ढोढर आता है, जहां लंबे समय से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। नेता प्रेस विज्ञप्ति जारी कर क्षेत्र में बिजली समस्या हल करने की वाहवाही लूटते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी कहते हैं कि ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, जबकि क्षेत्र में सिंचाई के लिए बिजली की अति आवश्यकता है। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या मांग की है। पंचायत गगेव विकास खंड गगेव के बाबूपुर पंचायत के वार्ड क्रमांक 19 ग्राम ढाढ़र में खड़ा हूं, जहां किसानों की आज अगस्त 2022 से इनका ट्रांसफार्मर जला है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को, विद्युत वितरण केंद्र कटरा के अधिकारियों को अवगत कराया गया, और यहाँ उपस्थित जो जनता है ये बता रहे हैं कि हम लोग है भाजपा विधायक जिला अध्यक्ष सभी से कहा हूँ, सभी के आश्वासन के बाद भी संबंधित कटरा विद्युत वितरण केंद्र के कर्मचारी ये कहते हैं आज ट्रांसफार्मर आएगा, आज आएगा, और इनकी पूरी बोनी प्रभावित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वर्तमान जमीनी अमला द्वारा किस तरह से किसानों के हित के लिए काम किया जा रहा है, अब ये जनता की जुबान से ही हम लोग सुनते हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ के निवासी हैं? पिताजी का क्या नाम है? श्री जगीर सिंह। ये ढाढ़र कहाँ है, किस थाना, किस जनपद के अंतर्गत? थाना गढ़ है, जनपद गंगे। ये अपना के ट्रांसफार्मर कब से जला है? और 2.5 महीना के लगभग हो रहा है। ये सूचना दीन गए? सूचना दीन गए जी साहब के पास, हम पंचे खुद सूचना दीन है, दो तीन फेरा गए, विधायक जी से दो तीन फेरा कहे, बस आश्वासन मिल रहा है, कहोगे 2-3 रोज में ट्रांसफार्मर भेज दीजिए। ओकर इंतजार कर रहे हैं अपना? ओकर इंतजार कर रहे हैं। अपना का नाम है? भैया लाल विश्वकर्मा। कहाँ के यहाँ? ढाढ़र। ये ट्रांसफार्मर जला है जी, इसे का नुकसान हो रहा है? नुकसान सगली धान सूख गए, सगला खेत परती परे हम। कत्ते उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन धारी है, कत्ते मोटर पंप है जानी? 17 आदमी शायद घरेलू कनेक्शन वाले हैं, 3-4 पंप वाले हैं। अब बिजली आज तक नहीं आई? आज तक घर मधियार रहा था। हाँ। अपना का नाम है? महावीर सिंह। यहाँ की निवासी हैं? हाँ, ढाढ़र के। ये ट्रांसफार्मर से का नुकसान हो रही है? अरे बहुत नुकसान हो रही है, बताइए। एक तो घरे में लाइट नहीं, खेती से प्रभावित आदमी हो रहा है, सब बेकार होने जा रहा है, अब सब बेकार तो हो रहा है। बिजली ट्रांसफार्मर से अपना का और कोनो नुकसान होने वाली है का? है ना, का हुई? अब मान ली एक तो अंधेरा ही है ना, खेती से तो अपन गए गुजरे। अपना बोली का नुकसान? ऐसे नुकसान ये है कि फसल तो एक रबी चली गए, दूसरा रबी जा रही है, तीसरी ये है कि बिलव सरकार द्वारा भेजा जा रहा है, तब किसान करे तो का करे। देखिए इनकी कितनी बड़ी समस्या है कि अभी तो ये ट्रांसफार्मर के लिए परेशान है, इसके बाद जो इनके घर की बिल आ रही है, अनावश्यक विद्युत मंडल द्वारा बिल वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस स्थिति से विद्युत मंडल की व्यवस्था के कारण किसानों को काफ़ी परेशानियां हैं, और किसान परेशान है, अधिकारी मूक है, और ये भी लोगों का अप्रत्यक्ष है। रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं कि जब तक सेवा शुल्क नहीं अदा की जाती तब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगता। अब ये सेवा शुल्क क्या है, ये वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विचारणीय बिंदु है।